हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माया। और आज मैं कॉर्न केक बना रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं, सालों से मुझे मन कर रहा था कि कॉर्न केक खाने का। तो चलो मेरे किचन में। कल मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया है ये कॉर्न, तो आज आया है। फिर ये इंग्रेडिएंट्स है कॉर्न, और यहाँ पे अमूल बटर और कंडेंस मिल्क। और यहाँ पे आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो और शुगर, लेकिन मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ और बेकिंग सोडा भी नहीं डाल रही हूँ। तो सिर्फ ये तीन इंग्रेडिएंट्स ही है। और गाइस, ये मेरा पहली बार है कॉर्न केक बना रही हूँ, तो पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, वो बाद में पता चलेगा। तो यह मैं स्टीमर ले रही हूँ यहाँ पे, और फिर ये मेरे पास बेकिंग यूटेंसिल नहीं है, तो मैं ये कंटेनर ले रही हूँ ग्लास का। तो चलो बनाते हैं कॉर्न केक। तो गाइस, जैसे मैंने कहा है कि मैं पहली बार कॉर्न केक बना रही हूँ, तो पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, तो एंड तक देख लीजिएगा। यहाँ पे हम कॉर्न को पील करेंगे, उसका कवर को हटा लेंगे अच्छे से। तो गाइस, ये जो कॉर्न है ज़रा अच्छा नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और बहुत टेंडर है, तो पता नहीं ये अच्छा बनेगा कि नहीं। फिर भी चलो देखते एंड तक कैसे बनता है। वैसे बनाना तो पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हम कॉर्न को अच्छे से धो लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम कॉर्न को रिमूव कर लेंगे, लेकिन ये हाथों से नहीं हो रहा था, तो मैंने चाकू ले लिया और चाकू से ये कॉर्न को काट लिया। तो ये रहा कटा हुआ कॉर्न। तो हम ये कटे हुए कॉर्न को ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में। तो यहाँ पे हम ग्राइंडर में डाल रहे हैं। यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, और ये मैंने बटर को मेल्ट कर दिया, अभी यहाँ पे डालेंगे बटर। और फिर इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने कॉर्न को कंटेनर में डाल दिया, और यहाँ पे हमारा ये स्टीमर का पानी बॉयल हो रहा था, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया, और फिर मैंने स्टीम किया इसको 20 से 30 मिनट। फिर गैस करो गाइस, ये वाला फर्स्ट जो मैंने बनाया था वो फेल हो गया, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत वाटरी था और ड्राई नहीं हो रहा था, जितना पकाओ ड्राई नहीं हो रहा था।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये केक कपड़ा से चिपक गया और फिर ये बहुत सॉफ्ट था और केक नहीं बन रहा था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया और उसके साथ मिक्स कर दिया। और फिर यहाँ पे मैंने दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया और ये रहा था वो पहला वाला जो मैंने बनाया था। केक नहीं बन रहा था, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहा था। फिर यहाँ पे मैंने फिर से स्टीम कर दिया वो जो मैदा वाला जो मैंने मिक्स किया था। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा नहीं डाला, ऐसे ही ढका। तो यहाँ पे 25 मिनट्स स्टीम हो गया और थोड़ा थोड़ा सा बन रहा है मैदा डाल के, लेकिन अच्छे से नहीं बना। लेकिन कोई बात नहीं, ये पहली बार बना रही हूँ तो चलता है। और ये बन गया मेरा केक, अभी भी बहुत सॉफ्ट है लेकिन अभी ये थोड़ा सा ठीक हो रहा है। तो गाइस अभी ये टेस्टिंग टाइम, तो मैं टेस्ट करूँगी कैसा बना है। बचपन में सिर्फ दो बार ही खाया था, माँ ने बनाया और अभी मैं खुद बना के खा रही हूँ। तो टेस्ट तो वही सेम ही है, अच्छा है। तो गाइस आपको अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।